की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसके लिए आपके बीच में भाई साहब समर्थन मांगने के लिए आए हैं कि आने वाले 5 अक्टूबर को आपका एक एक मत हाथी के सामने वाला बटन दबना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद का पूरा भरोसा है कि सडोरा की 36 बरादरी ने फैसला कर लिया कि आने वाली 5 तारीख को सडोरा से हाथी कई हजार वोट से जीत करके साथियों विधानसभा क्षेत्र इस प्रकार जोश पहली बार जो सडोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला।
जोश के साथ रोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस और बीजेपी ने सुधराक विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ कई वर्षों से अनदेखी कर रही है, आज समय आ गया है। केवल कम समय रह गया साथियों, 12 दिन चुनाव में 12 दिन बचे हैं। 12 दिन आप घर से निकल करके गांव-गांव में जाओ, एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाने का काम करो साथियों। उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ, मंदिर के सामने खड़ा हूँ, एक बार एमएलए बने हुए 5 साल आपके चौक पर बैठ करके चौकीदारा करने का काम करूंगा। मैं सुधारा के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और आपके मान सम्मान के लिए आपके आगे झोली चाहता हूँ साथियों। पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा, जिस प्रकार लहर चल रही है ये लहर तूफान बनेगी और कम से कम 1 लाख पार हाथी 1 लाख पार। अब नारा कोई नारा चलना चाहिए, चलेगा हाथी उड़ेगी साथियों। पहले तो मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हम सबको सुनने के लिए, हमारी माताएं बहने, हमारे युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सब ने अपना कीमती समय निकाला, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जैसे ब्रजपाल जी ने बताया कि 36 की 36 बिरादरियां सब एक तरफा आज हाथी के साथ खड़ी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आपने इन पे विश्वास जताया है, उसी तरीके से ये जीतने के बाद आप लोगों के बीच में रहकर हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, हमारी माताएं बहनों के लिए उनको खाने पीने का, गैस का, सबका ध्यान रखेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान रखेंगे। और यहाँ पे हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत नशे की है, तो सबसे पहले यहाँ को, इस विधानसभा को नशा मुक्त करेंगे। साथियों मैं आप लोगों से सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। पहली कि किस तरह यहाँ पर भाजपा ने पिछले 10 सालों में आपके विधानसभा का, हमारे सभी भाई बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का नुकसान किया है। साथियों अगर हम बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो भाजपा ने पिछले 10 सालों में 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे हैं। अब हमारे बच्चे अगर पढ़ नहीं लिख पाए, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि वो कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? बताइए, अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा? इनकी गुलामी ही करेगा। इन्होंने पिछले 10 सालों में इसका इंतजाम जरूर किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बने, परंतु आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। उसी तरह आपके हरियाणा में, आपके हलके में यहाँ पर 2,500 स्कूल खोले जाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके। साथियों यहाँ पर पिछले 10 सालों में भाजपा के दौरान 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेचारा पढ़ लिख कर पैसा खर्च कर लोन ले लेकर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी, डिग्री पाई, परंतु किसके लिए? आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कमा नहीं पाता। फिर आप सब बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी जानते हैं कि जब आदमी काम नहीं करता तो बेचारे को क्या, आसपास के गलत तत्व जो होते हैं वो उसको नशा और ये सब पकड़ा देते हैं, हमारा भविष्य बिगाड़ देते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। परंतु आदरणीय बहन जी के शासनकाल में बहन जी ने 50 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी। उसी तरीके से जब आप ब्रजपाल जी को विधानसभा भेजेंगे तो यहाँ पे युवा युवा के हर एक घर में सबको नौकरी देने का काम किया जाएगा। तीसरा, यहाँ पर कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी और बोलेगी कि भाई हमें 10 साल से मौका नहीं मिला, हम भी काम करेंगे, हम आपके संविधान को बचाएंगे, हम आपके आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे, हम हर समाज को एक साथ लेके चलेंगे। परंतु साथियों हकीकत उनकी आज आपके सामने है। अभी
लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी किताब लेके घूम रहे थे, विधान कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे थे, कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसके तहत राज्य की सरकारें अपनी मन मर्जी से एससी एसटी जाति में से किसी को भी वो आरक्षण का लाभ देना चाहे दे सकती है और किसी से भी छीनना चाहे छीन सकती है। और इसका समर्थन कांग्रेस ने, भाजपा ने, आम आदमी पार्टी ने, सबने मिलकर एक तरफा किया। इससे उन्होंने हमारे आरक्षण को खतरे में डाला है। अभी अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी एससी एसटी जाति में से किसी को भी आरक्षण दे और जिससे इन्हें मतलब नहीं उससे आरक्षण की व्यवस्था छीन ले। परंतु साथियों, आदरणीय बहन जी ने इसका खुल के विरोध किया है और राहुल गांधी जी से खुद पूछा कि भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुमने हमारे समाज का वोट लिया था लोकसभा में, परंतु वो क्या करते हैं। पिछले 2 महीने से उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप विदेश चले गए। वहां जाके बोलते हैं जिस दिन कांग्रेस का अच्छा समय आएगा उस दिन हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो साथियों आप बताइए, यहाँ पर एससी समाज के काफी साथी हैं, एसटी समाज के काफी साथी हैं, आप चाहेंगे कि ये कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में है और आपका आरक्षण छीन ले? तो घुसने देंगे अपने हल्के में उन्हें? तो जिता के भेजेंगे ना ब्रजपाल जी को? साथियों आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यहाँ से ब्रजपाल जी को आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप लोगों से यही उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर ये विधानसभा जीत रहे सर जी, ये फर्स्ट में जीत रहे पूरी लोकसभा में, ये विधानसभा बिलासपुर में सर। अब एक बात बताइए, अगर आप विधानसभा जीत रहे हैं तो आदरणीय बहन जी को जीतने से पहले बुलाएंगे या जिताने के बाद बुलाएंगे? चलिए एक काम करते हैं, बिलासपुर से आप विधायक भेजिए यहाँ से। मैं अश्योरेंस देता हूँ कि आदरणीय बहन जी की रैली आपकी पूरे हरियाणा में यहाँ सबसे पहले कराएगी। आप लोगों के बगल में ही रखी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पूरा अपना विधानसभा उठा के यही बगल में जगाधरी में पास में रखी है, आपके पास में चतरौली में रखी है, चतरौली में रखी है। आप लोगों से पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग जिता के भेजने वाले हैं यहाँ से। मैं बहन जी को बोल दूं पक्का, सारा काफिला हमारे साथ चला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम